हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल आरसी के अंडर परमाणु की कौन कौन सी डाइजेस्ट हिंदी डाइजेस्ट आई थी। सबसे पहले आई थी परमाणु की फर्स्ट मिनी डाइजेस्ट, जिसको पता नहीं पहले कितने साल पहले प्रिंट किया होगा, लेकिन जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे नागराज हो गया, ध्रुव हो गया, डोगा हो गया, जैसे हमने इनकी फर्स्ट डाइजेस्ट देखी हुई है, लेकिन एक अलग ही रूप में। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था कि जैसे ये परमाणु की फर्स्ट डाइजेस्ट है, मिनी डाइजेस्ट है ये, जहाँ तक तो मुझे पता है कि ये नॉर्मल साइज़ की कॉमिक से थोड़ी छोटी हुआ करती थी। तो परमाणु की नॉर्मल साइज़ में डाइजेस्ट कभी देखने को मिली नहीं थी, लेकिन हाँ ये मिनी डाइजेस्ट देखने को मिली थी। और इसमें तीन कॉमिक शामिल थी, परमाणु, आग और बुलेट प्रूफ। कवर आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, और शायद ये मनु जी का बनाया परमाणु है जो उस कवर में आर्ट में दिया गया है। काश बाकी करेक्ट की तरह पैसे देखने को मिलती, मतलब ओरिजिनल आरसी में। काफ़ी अच्छा इसका आर्ट वर्क है। परमाणु की सेकंड मिनी डाइजेस्ट आई थी और इसमें भी तीन कॉमिक शामिल थी, ब्लैकआउट, मक्खी, जोंक और डायमंड किलर। अब मुझे, हालांकि मैंने कभी ये डाइजेस्ट कभी देखी नहीं है, तो यहाँ पर कवर पे तो 3-in-1 डाइजेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें चार कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं। अब पता नहीं ये 3-in-1 डाइजेस्ट हैं या 4-in-1 डाइजेस्ट हैं, ये तो अगर किसी के पास होगी तो भी पता चलेगा, लेकिन हाँ ये डाइजेस्ट आई थी। अगेन कवर आर्ट काफ़ी सिंपल है और अच्छा है, और ये 24 जी का आर्ट वर्क है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सको तो यहाँ पर उनका सिग्नेचर 24 जी का आर्ट वर्क मतलब अच्छा रहा है। जो डाइजेस्ट मैंने देखी है उसमें परमाणु की, वो ये डाइजेस्ट थी। और वैसे तो इसी सीरीज का मैं अभी वीडियो बना चुका हूँ, यही लास्ट डाइजेस्ट आई थी की। और यहाँ पर देखिए 160 रुपीज़ मूल्य भी दिया गया है। और इस डाइजेस्ट में पांच कॉमिक शामिल थी, गुनाकार, शिकार, फंदेबाज, अब मरेगा परमाणु, और इसका नंबर 8 था, मतलब नॉर्मल साइज में डायरेक्ट 8th डाइजेस्ट आई थी परमाणु की। कवर आर्ट ओके ओके है, मुझे सच कहूँ तो मुझे कुछ खास इसका पसंद नहीं आया था इसका कवर आर्ट, लेकिन ठीक है, ये कवर आर्ट पूरी सीरीज़ की छोटी सी अगर समरी बताता है। मतलब आमतौर पर ऐसे ही होता है कि जब कोई पुरानी सीरीज़ को रिप्रिंट किया जाता है कलेक्टेड एडिशन के लिए, डाइजेस्ट के लिए, उस पुराने टाइम में, तो कवर में ही समरी के तौर पे आर्ट वर्क को दिखाया जाता था। ये एक स्पाइन थी, फ्रंट कवर हो गया, अब बैक कवर ये है। कुछ कॉमिक्स जो ओरिजिनल टाइम में आई थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।